बाप की पांच औलाद है, एक दूसरी माँ से है, तो दूसरी माँ वाले को कुछ नहीं दिया, भूखा मर रहा है वो। आखिरकार वो ही तंत्र क्रिया इन पे कर रहे हैं, फिर वो कदापि ठीक भी नहीं होने दे, आए ना समझ में। और जो लोग ठीक होने के लिए जाते हैं वे एक रात सो जाओ, ये सारी की सारी क्रिया केवल शनि धाम की है, शनि धाम के ही दूत काम करते हैं, सबके दूत काम नहीं करते। कोई कभी ये सोचे कि सबके दूत काम करते हैं, वो हमने करा के दिखा दिया, ठीक है ना। फिर होड़ होती है, नकली होड़ होती है, फिर अपने लोग बनाए जाते हैं, उनको पटाया जाता है, उन्हीं के लोगों से काम कराया जाता है। आपको पता चला ना करोनी वाले की पोल खोली अमर उजाला ने, कैसी पोल खोली कि अमर उजाला ने बताया 2,500 रुपये के हिसाब से हर रोज के दिन पे कम से कम 50 नाटकबाज लेके आए जाते हैं और वे एक्टिंग करते हैं कि इसमें करण आ गया, इसमें ये फलाना परशुराम आ गया, इसमें ये देवता आ गया, इसमें गाय की आत्मा बात कर रही है हिंदी में, इसमें कुत्ते की आत्मा बात कर रही है, ऐसे। और वो पहले से ही स्क्रिप्ट रच ली जाती है, गुरु जी ये करेंगे तुझे उछल के पढ़ना है, गुरु जी ये करेंगे तूने ये करना, ये देखो ऐसा। तब ऐसे लोगों के साथ कितना धोखा होता है ये समझिए। तो फिर लोग यही सोच के कि ये मनु भैया का ही धाम है, नज़दीक है, और फिर पता नहीं चला कि आखिरकार वहाँ गया क्यों, क्या हुआ था। कोई आदमी शनि धाम को जमीन देना चाहता था अपनी वहीं पे कुरुक्षेत्र में, तो उसकी जमीन कब जाने के चक्कर में ये दोनों बाप बेटे यहाँ से भागे। क्या उसने काफ़ी सारी जमीन नाम कर दी थी शनि धाम के, और सभी को पता है मैं ऐसे कभी जमीन लेता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ पसीने से कमाया जाए जो कमाया जाए, है खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। अब पता चला वो आदमी शनि धाम में आया, इन कबीलों ने क्या किया, दोनों बाप बेटे ने उसको बहला लिया, फुसला लिया। अब भैया ने कहा एक धाम कुरुक्षेत्र में खोलना है, आप जमीन दो, और बोला वो जब जमीन दान कराने लगे तो उनने कहा भाई नाम दो, अपना पेपर बनवा लेते हैं शनि धाम का नाम दो, तब इन्होंने अपना नाम दे दिया, ठीक है वो तो मेरे पिताजी के नाम से। तब उसका दिमाग चौंका यार पिताजी के नाम से, बोला जी सारी तैयारी हो गई, सारे स्टाम्प पेपर भी खरीद लिए, फिर भाई पिताजी के नाम से जमीन होगी, अरे भाई तुम तो भाई हद ही कर गए, सारा ही कर गए। वो कुरुक्षेत्र में उसकी जमीन के लालच में गया ये, वरना ये जाता नहीं। 6 महीने पहले भागा नौकरी छोड़ के, 6 महीने की आगे की तनख्वाह ले रखी थी, वो पैसे कैसे उतारे सबसे ऑनलाइन पैसे लेके। और तब ये भी पता चला 4 आदमी ऐसे भी आ गए उस बीच में जिनकी वीडियो बनाई, कि चेक करता था एकाउंट में बैठा लेता था, फिर उसको ये कहता था ये पेटीएम नंबर है इस पे पैसे दे, अलग से पैसे मंगाता था 11,000 ऐसे धाम में ही बैठ के। इतना कमीनापन कर देते हैं लोग कि कुछ नहीं। और मैं उलझा हुआ था किन चीज़ों में, कि धाम के बाहर के लोग जो है ना ऐसी जगह बैठे थे, हम ये कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, मैं इन चीज़ों में उलझा रहा, ठीक है। और धाम का विकास जो 10-10, 20-20 लोग बैठ के ऊपर के लोगों में घूमने जाते थे, वो उसी दिन से रुक गया जिस दिन से नलायक आया, और जिस दिन से इनकी खून की बलि और ये चली, ये बाहर जाके एक दो लड़का मैं इसके साथ छोड़ता था उसको पक्का चेला बना लेता था, सीक्रेट कुछ बताता नहीं था, कभी खून चढ़वाता था, कभी कुछ करवाता था, सरदार से भी लड्डू दिवा दिए, सरदार ने तब तो बताया नहीं, जब सरदार के कलेजे में लग गया दर्द होना, जब बताया अब भैया मेरे तो कलेजे में दर्द रहता है जी। फिर एक दिन सरदार ने कहा मेरे कलेजे में दर्द रहता है, अब ठीक कर, तो बिरथ गया, बिरथ गया तो बोला मेरे में भैरव आ गए, भैरव की एक्टिंग करने लग गया, और सरदार जी के यहाँ काट खाया छाती में, पता भाई मनु भैया नु काट काट के खाएंगे। और एक बार बड़ी गलती,